या तो कस्टमर से 500 रुपये ले लो या फिर उससे अपनी मार्केटिंग करा लो। ये है टाइटल है इस वीडियो का, इसका मतलब बता रहा हूँ आपको मैं। मेरे पास एक पार्टिसिपेंट आए जून बैच के, सुमित पटेल जी। सुमित का बिजनेस है अहमदाबाद में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने का, मतलब बड़ी यूनिक सी निश है उसकी। डॉक्टर्स के लिए वो मेडिकल इक्विपमेंट्स, पेशेंट चेयर, स्पेशल चेयर्स, ऐसा कुछ कुछ वो बनाते हैं। तो ही है वो मेरे मेंटी, मेरे स्टूडेंट है, बट उनसे मुझे बहुत कुछ बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला जो उन्होंने बताया मुझे। एक टर्म है, यू हैव टू मेक लॉयल कस्टमर्स, नॉट रिपीट कस्टमर्स। यू हैव टू मेक लॉन्ग टर्म लॉयल कस्टमर्स, लॉन्ग टर्म लॉयल कस्टमर्स। रिपीट कस्टमर क्या होता है कि वो आपसे माल बार बार ले रहा है, और अगर आपसे ना मिले या आपने कुछ प्राइस बढ़ा दी या कुछ भी किया, गड़बड़ हुई, वो कहीं और चला जाता है, कहीं और से ले लेगा। बट लॉयल कस्टमर कौन सा होता है कि आपकी अगर शॉप बंद है तो खुलने का वेट करेगा, कहीं और से नहीं लेगा, कहीं से नहीं लेगा। कुछ भी हो जाए, प्राइस कम हो ज़्यादा हो, कुछ भी आप कह दो, वो लेगा आपसे ही। इसको कहते हैं लॉयल कस्टमर बनाना। अब मैं एग्जांपल क्यों दे रहा था आपको, सुमित जी वाला। सुमित जी ने बताया कि सर मैं अपने कस्टमर से ना अपनी मार्केटिंग करवाता हूँ बैक एंड पे। कैसे? मैं अपने कस्टमर से ना स्मॉल स्मॉल चार्जेस नहीं लेता। मेरा मशीनरी का काम है, मशीनरी मैंने भेज दी कस्टमर को, कोई टेक्निकल दिक्कत आई मैंने ऑनलाइन ठीक कर दी, मैं उसे पैसे चार्ज नहीं करता, नहीं करता। कोई और दिक्कत आई, मैंने बंदा भेजा, छोटी मोटी दिक्कत थी कुछ सर्विस की, मैंने वो उसने वो नट ठीक कर दिया, मैं उसके भी पैसे चार्ज नहीं करता। ये पैसे चार्ज ना करने का रिवर्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि वो कस्टमर मेरी एडवोकेसी करता है। डॉक्टर की मशीन ख़राब हुई, मेरा बंदा गया, छोटा मोटा काम करके आ गया, कोई पार्ट भी नहीं डला और ऐसी बस ठीक सर्विस करके आ गया। अगर मैं वो चार्ज कर लूँगा 500 रुपये, वो दे तो देगा 500 रुपये, हंस के दे देगा, बट वो मेरी फिर एडवोकेसी नहीं करेगा। मैंने वो चार्ज नहीं किया, वो पैसे चार्ज नहीं किए, इतनी सी बात पे वो मेरी मार्केटिंग करेगा। और ऐसे हुआ भी है, मेरे एक डॉक्टर ऐसे हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर ऐसे मेरे कस्टमर हैं कि मैं उनसे चार्ज नहीं करता था, उन्होंने मेरी अहमदाबाद के अंदर उन्होंने मेरी 15 मशीनें और लगवा दी डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स का ग्रुप होता है, बातें करते हैं आपस में, तो कहते मैं उसको देखूँ 15 मशीनों की अगर मैं लगाऊं, रेवेन्यू कॉस्ट तो शायद 15 लाख से ऊपर थी, मैं 15 लाख देखता या उनसे मैं 500 रुपये चार्ज करता जो मैं सर्विस के दिए थे, तो व्हाट इज, मतलब कोई कोई गैप ही नहीं है, मतलब कोई कोई कुछ तो तुलना ही नहीं है, 500 हज़ार रुपये का और 15 लाख का। और फिर वो डॉक्टर और भी रेफरेंस दे जा रहा है, दे जा रहा है, दे जा रहा है, तो बड़े कमाल का फैक्टर था। यू हैव टू मेक लॉन्ग टर्म लॉयल कस्टमर। वो कैसे कि कस्टमर को ना 1 माइल एक्स्ट्रा जाके सर्व किया करो, सर्व योर कस्टमर्स गोइंग 1 माइल एक्स्ट्रा। कस्टमर से छोटे मोटे पैसे मांगने बंद कर दो, छोटे मोटे चार्ज करने बंद कर दो, कोई सैंपल भेजा है बंद कर दो, इनफैक्ट आउट ऑफ द वे जाके उसकी हेल्प करो, आउट ऑफ द वे जाके उसकी हेल्प करो, ही विल बी योर लॉयल कस्टमर्स फॉर लाइफ। बताया सुमित ने कि मेरे पास कस्टमर्स आते हैं सर अहमदाबाद के बाद से, मुंबई से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, इधर से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, जैसे वो उतरता है एयरपोर्ट पे, मेरी गाड़ी और मैं उसको मिलता हूँ एयरपोर्ट पे, उसको गाड़ी में से अपने ऑफिस लेके आता हूँ। हमारे पास सिस्टम है अरेस्ट करने का, बात लेने का, मेरे ऑफिस में वो बात वगैरह लेता है, अरेस्ट करता है, नाश्ता कराता हूँ और सारा दिन उसको अपनी गाड़ी में घुमाता हूँ जहाँ उसने जाना होता है। एक उसने बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही कीमती और बड़ी कमाल की बात बोली सुमित ने कि अगर उसने मेरे कॉम्पिटिशन पर भी जाना है, कॉम्पिटिशन में अभी मैं लेके जाता हूँ उसको गाड़ी के अंदर, चलिए तेरे साथ चलता हूँ। तो ये करते ही वो मेरी इतनी पोजिशनिंग बढ़ जाती है उसके माइंड में कि वो कुछ भी कर ले, लेता है मेरे से ये एंड में आके। और इन बिटवीन बताया बताया उसने कि मैं उसको ना गुजराती स्पेशल खाना खिलाता हूँ उसको, कि वो आते हैं बाहर से, दे आर फॉन्ड ऑफ गुजराती खाना, खिलाता हूँ खुद घर से बनवा के लाता हूँ उनके लिए। तो ये सब कुछ करके वो मेरे लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं और मेरी पेमेंट्स फंसती नहीं है फिर, इनफैक्ट एडवांस आती है। डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में कि भाई सुमित भाई का नंबर दे रहे हैं, जो प्राइस बोले जिस प्राइस पे बोले ले लेना माल,
ऐसा बंदा है, ऐसे बोलता है डॉक्टर मेरे बारे में कि सुमित भाई जो प्राइस बोले ओके बोल रहे हैं ले लेना, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं और वो मेरी मार्केटिंग कर रही है। तो इतना कमाल का, इतना पावरफुल थॉट था ये, इतना पावरफुल था कि मुझे बहुत कुछ मिल गया इससे। मैं ओवरऑल मैं बोलता था कि यू हैव टू एम एट मेकिंग लॉयल कस्टमर्स, बट ये जो एग्जाम्पल मुझे मिला ना सुमित भाई का, इसने कमाल कर दी। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, आज वीडियो होगी लगभग 5 मिनट की। बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम रुशनीक सिंह है जी, मैं एक भारत का एक मामूली सा पेमेंट रिकवरी कोच हूँ, और अगर आप बिजनेस करते हैं भारत में और आपकी पेमेंट्स फंसती हैं मार्केट में और लोग आपको बहुत तंग करते हैं पेमेंट नहीं देते, तो मैं वो बंदा हूँ जो आपकी पेमेंट्स निकलवा सकता है वहाँ से, आपको कोचिंग गाइड करके, आपका हैंड होल्ड करके, प्लस आगे आपकी पेमेंट ना फंसे मार्केट में। आई विल टेल यू द प्रिंसिपल्स कैसे आगे फंसेंगे नहीं, ठीक है। नीचे लिंक दिया मेरे से मिलने का, मेरे से मिल लो, बात कर लो, या फिर मेरे आने वाले ट्रेनिंग में प्रोग्राम में आ जाओ लाइव, वहाँ बात कर लेंगे। राइट जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय, सी यू।